हेलो मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विमला शर्मा, हम उत्तराखंडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आप लोग भी कहेंगे कि इतने समय से आजकल क्या हो गया कि वीडियो, फनी वीडियो नहीं बना रही। तो मैं बहुत व्यस्त थी, मेरे बेटे की शादी थी, तो मैं अब आप लोगों को रेगुलर वीडियो दिखाऊंगी, फनी वीडियो हो चाहे ब्लॉग हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी प्यारी सी बहू रानी। बहू रानी इधर आओ। ये देखो बहू रानी आ गई हमारी, तो मैं इसलिए शादी में बिजी थी। ये बेटा इधर, ये मेरा बेटा है, देखो बेटा थोड़ा सा शौकीन नहीं है। ये मेरी प्यारी बहू रानी आ गई, अब हम लोग मिलकर खूब वीडियो, फनी वीडियो भी बनाएंगे और इंस्टाग्राम में भी बनाएंगे। तो ये मेरी प्यारी सी मेरी नातिन, देखो ये नातिन तो हमारी जोड़ीदार है भैया, ये संतरा खा रही है देखो ये। अब हम लोग खूब फनी वीडियो बनाया करेंगे। तो बीच में मेरे कुछ समय वीडियो नहीं बन पाई, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अब मैं रेगुलर बनाऊँगी तो आप लोग देखते रहेगा मेरी वीडियो को। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरा साथ जरूर दीजिएगा आप लोग। ये आज आ चुके हैं, ये हमारी फेवरेट भाभी जी हैं, ये सत्संग प्रेमी गुरु बहने भी हम लोग। तो आज इन्होंने हमें बच्चों को डिनर वो लंच पे बुलाया हुआ है, तो स्वागत के लिए देखिए किस तरह से हमारा स्वागत करी बहू बेटे की। अब हम पहुंच चुके हैं, देखिए लंच के लिए अपनी सत्संग बहन के यहाँ, और कितनी अच्छे से उन्होंने नई बहू का स्वागत किया गुलाब के फूलों से। ऊपर से गुलाब के फूल डाल रही हैं, और कितने अच्छे से स्वागत किया। अब ये मेरी नातिन और बहू हम अंदर, अब देखिए हम हमारी सत्संग बहन ये हैं, दीदी मतलब मेरी। तो हमारा बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गहरे संबंध हैं, और ये भाई साहब हैं, बहुत अच्छा स्वागत हमारा किया है इन लोगों ने। और ये महाराज जी की हमारे गुरु हैं आशुतोष महाराज जी, उनका स्वरूप हमने वहाँ पर मत्था टेका, फिर बहू को उन्होंने स्वागत करके बैठा ला। और अब देखिए पूरा रूम बहुत अच्छा सजाया हुआ है इन्होंने, डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है, बहुत साफ सुथरा बढ़िया करके देखिए। और अब देखिए लंच लगा दिया है, और लंच में इतनी चीज़ें बना दी कि पूछो मत, कितनी तरह की सब्जियां, दाल चावल पूड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों मतलब सोचते रह गए कि क्या खाएं। और ये मेरे हस्बैंड को भी नहीं गए थे, तो ज़बरदस्ती उनको बुला के ले गए भाई साहब, और बढ़िया करके भोजन हमको खिलाया भाभी जी लोगों ने। बहुत अच्छा स्वागत किया, बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की बहू बेटे की भी और हमारी भी।